अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज हसनैन। मैंने मेंटल इंटरव्यू वी आर गोना टॉक अबाउट सेल इंजरी। इसकी दो फाइलें हैं, एक 23 स्लाइडों वाली और एक 38 स्लाइडों वाली है। पहले 23 वाली कर लेंगे, उसके बाद हम फिर 38 स्लाइड वाले को जो है ना वो कवर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन है सेल इंजरी का। अच्छा, एनी चेंज दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन अ नॉर्मल और अडाप्टिव होमोस्टेटिक स्टेट। कोई भी ऐसी चेंज जिसकी वजह से सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन ना रह सके, वो सेल इंजरी। ठीक है, फिजिकल हो सकती है और डिफरेंट मतलब के सेल इंजरीज हो सकते हैं। अल्टीमेट जिसका रिजल्ट ये हो कि होम्योस्टेटिक जो स्टेट है वो मेंटेन ना रह सके। होम्योस्टेटिक स्टेट क्या होती है, जो एक सेल की नॉर्मल स्टेट होती है वो मेंटेन ना रह पाए। सेल इंजरी कैन बी रिवर्सिबल अप टू अ सर्टेन पॉइंट, बट विद सीवियर और प्रेजिस्टेंट स्ट्रेस बिकम इरिवर्सिबल। शुरू में रिवर्सिबल होगी, उसके बाद अगर कंटिन्यूस रहती है तो इरिवर्सिबल हो जाएगी। ये नॉर्मल सेल है, उसकी होम्योस्टेसिस है, अडाप्टेशन हो गया। अडाप्टेशन से क्या मतलब, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अगर ये कंटिन्यूस मतलब एक लिमिट तक रहती हैं तो ये वापसी जो है वो रिवर्सिबल और वापसी जो है नॉर्मल सेल हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है, कंटिन्यूसली जो है वो अडाप्ट करता रहता है सिस्टम, तो वो सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा, जो कि इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी ये क्या है, अभी अडाप्टेशन जो हुई है मतलब सेल ने एक जो स्ट्रेस आया, सेल ने उसको अडॉप्ट किया, थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया, उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो ये प्रीवियस स्टेज है, प्री स्टेज जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सेल कंप्लीटली एक स्टेज को अडॉप्ट कर लिया, जो कि सेल इंजरी होगी, यानी कि अब इंजरी वाली स्टेट आ गई। अभी भी स्टिल चांसेस है कि वो वापस रिवर्सिबल रिवर्स होके नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और दूसरा तरफ क्या रिस्क है कि अगर सीवियर स्ट्रेस रहता है तो फिर वो इरिवर्सिबल सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का अल्टीमेट क्या है कि वो सेल डेथ हो जाएगी उसकी, और वो सेल मर जाएगा। ठीक है, वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो खत्म कर देगा कम्प्लीटली। अच्छा, इसके बाद है, ये बेसिकली नॉर्मल सेल है। सबसे पहले क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसके अंदर ऑर्गेनाइज है वो स्वेल होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक ये रिवर्सिबल है। ठीक है, अच्छा, ये जब तक ये स्वेलिंग हुई है ये रिवर्सिबल है। और क्रोमेटिन जो है वो उसकी क्लम्पिंग हो गई है। पहले क्रोमेटिन इस फॉर्म में था, अब उसके क्या बन गए, क्लम्प्स बन गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे दो स्टेज हैं, या तो रिकवरी हो जाए कि ये क्रोमेटिन के जो क्लम्पिंग हुई है ये भी खत्म हो जाए और जो स्वेलिंग हुई थी वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाए, तो ये नॉर्मल सेल दोबारा रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी तरफ जो है मजीद इसके अंदर चेंजेस आ जाए, अब चेंजेस क्या क्या आ गई हैं, मेम्ब्रेन ब्लेब्स इस तरह करके, ये बबल से, ये जिस तरह ये बने हुए ना बबल से बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी स्वेलिंग पहले भी हो चुकी थी, उसकी स्वेलिंग मजीद हो जाए और रप्चर हो जाए। राइबोसोम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, वो राइबोसोम लॉस हो जाए, माइलिन फिगर आ जाए। ठीक है, ये माइलन आपको पता है वो फैटी लेयर जो होती है, वो न्यूक्लियर कंडेंसेशन, जो ये क्लम्पिंग हुई थी, क्रोमेटिक क्लम्पिंग कहते हैं लोथड़े बन जाना, वो मजीद कंडेंस हो गया और वो बिल्कुल जो ना कंडेंस हो गया न्यूक्लियर, और लाइसोजोम है वो रप्चर हो चुके हैं, राइबोसोम गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वेल हो चुका है, लाइसोजोम जो है वो रप्चर हो चुके हैं, और स्वेलन माइटोकॉन्ड्रिया एटमोस्फेरिक डेंसिटीज ओवरऑल जो है इसके अंदर आप देखते हो कि स्वेलिंग हो गई है। तो वही दो पॉइंट पहले, या इससे अगर देखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग थी, स्वेयर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग थी, स्वेयर हो गई, उसके अलावा यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन था, स्वेयर हो गया। तीन पॉइंट तो यहाँ से पूरे हो जाएंगे, मेम्ब्रेन ब्लैब रह गया और लाइसोजोम का रप्चर रहेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, सेल सारा फट जाएगा। ठीक है, और इसको कहते हैं अल्टीमेटली ये सेल डेथ की स्टेज आ गई। ठीक है, इंजरी टू टिश्यूज एंड ऑर्गन बिगेन एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल, लीडिंग टू बायोकेमिकल चेंजेस विच एंडेड अप विद द अपीयरेंस ऑफ लीजन्स। तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ पे हो सकती है, सेलुलर लेवल पे भी स्टार्ट हो सकती है और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टार्ट होती है। मॉलिक्यूल्स मिलके कहीं ना कहीं सेल बना रहे होते हैं ना, तो बेसिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से क्या मुराद है, अब सेल के अंदर पार्ट बना होता है, सेल के अंदर, सेल के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोटीन होती है, उसके अंदर फैट होते हैं, उसके अंदर कार्ब्स भी होते हैं, तो उस लेवल पे जाकर अगर कोई डैमेज हो रहा है तो वो भी हो सकता है, ओवरऑल सेल भी डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, सेल का इंटरनल और आउटर इन्वायरमेंट के अंदर फर्क आ जाता है। सेल कैन बी डैमेज फंक्शनली येट हैव नो अपेरेंट मॉर्फोलॉजिकल अपेयर ऑल्टरेशन। वो कहते हैं कि हो सकता है कि सेल के अंदर, सेल का जो फंक्शन है उसके अंदर कोई इशू आ गया है। ठीक है, फंक्शनली डैमेज हो गया लेकिन आपको अपेयरेंटली जो है वो कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं नजर आया। आसान अल्फाज में जिस तरह बंदा होता है उसको बुखार चढ़ गया। ठीक है, अब बुखार जो है उसके अंदर वो स्लो हो गया, जाहिर सी बात एक्टिविटी कम करता है, तो फंक्शनली वो डैमेज है लेकिन ऐसा उसके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। तो सेल लेवल पे क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं आया, अभी सिर्फ फंक्शनल डैमेज है। ठीक है, फंडामेंटल पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी इज अ पर्टर्बेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब होता है कि आउटकम, डिजीज का फाइनल रिजल्ट क्या आया,
ठीक है, तो अल्टीमेट जो सेल इंजरी का अल्टीमेट रिजल्ट है वो क्या है, पर्टिबेशन ऑफ होमियोस्टेसिस, की होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन नहीं रखी जा सकती, मतलब वो मेंटेन नहीं रख पाएगा सेल अपनी होमियोस्टेसिस को। अच्छा, सेल इंजरी का मैकेनिज्म क्या है, सेल आर इंजर्ड बाय न्यूमरस एंड डाइवर्स कॉजेज एटियोलॉजिक एजेंट। एटियोलॉजी जो है वो लफज कॉजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, फोर बेसिक बायोकेमिकल मैकेनिज्म लीड टू सेल इंजरी। तो बेसिकली चार बेसिक मैकेनिज्म है जो कि सेल इंजरी की तरफ लेके जाते हैं, जिनमें एटीपी डिप्लीशन है, एटीपी जो है वो डिप्लीट कर जाती है, एटीपी कम हो जाती है, ठीक है। प्री मेंबर प्रेमेबिलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, तो उसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब बड़े हो जाएंगे तो जो सोल्यूट है वो इर्द गिर्द सेल के आर पार मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगा। इंटरनल इन्वायरमेंट खराब होने की वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह से वो मतलब जब मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी तो सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। डिसरप्शन ऑफ बायोकेमिकल पाथवे, जिस तरह अब सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होनी थी, उस प्रोटीन जो राइबोसोम वाला एक प्रोसेस है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है अमीनो एसिड को यूज करते हुए, तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, या डैमेज हो जाए डीएनए। तो ये चार ऐसे बेसिक मैकेनिज्म है जो अल्टीमेटली सेल इंजरी की तरफ लेके जाते हैं। एटीपी डिप्लीट हो गई, एटीपी खत्म हो गई, एनर्जी नहीं है, सेल डेथ हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलाइजेशन इंक्रीज हो गई है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो डेथ हो जाएगी। किसी बायोकेमिकल पाथवे के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ गई, कोई इश्यू आ गया जिसकी वजह से सेल नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो भी सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऑफन देर इज एन इंटरप्ले अमंग दीज बेसिक मैकेनिज्म। वो कहता है कि यूजली ये इनमें से कोई भी एक मैकेनिज्म जो है वो कॉज नहीं बनता, मल्टीपल मिक्स होके तीन चार मैकेनिज्म जो है वो आपस में मिल के जो है ना, या चारों में से एक दो तीन जितने भी मिल के जो है वो एक उसकी तरफ, उस पूरे प्रोसेस की तरफ जाते हैं, सेल इंजरी की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू सेल और डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये उसने जितना डिफरेंट उसने रीजन दी हुई है कि एटियोलॉजिकल एजेंट, एटियोलॉजी का जो लफ्ज है बेटा वो होता है, उसका सिंपल मतलब होता है कॉजेज, कॉजेटिव एजेंट। ऐसी एटियोलॉजी कहते हैं कॉजिंग मतलब कॉज को, और एटियोलॉजिक एजेंट कॉजेटिव फैक्टर्स, तो ये दूसरा नाम है कॉजिंग, कॉजिंग एजेंट्स का। तो आप एटियोलॉजिक फैक्टर की जगह या एटियोलॉजिक एजेंट की जगह सिंपली कॉजेटिव एजेंट भी लिख सकते हो, सेम मतलब होगा। अब डिफरेंट हमने जो मैकेनिज्म देखे हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि कैसे वो करते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू सेल और डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक मैकेनिज्म है कि अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं हो रही, उसको उस सेल तक नहीं जा रही, या माइटोकॉन्ड्रिया जिसने एटीपी प्रोवाइड करनी थी उसको किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये बेसिकली एक एटीपी जो जनरेशन, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का पावर हाउस होता है, सेल का पावर हाउस एटीपी प्रोवाइड करता है, तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस, या आसान अल्फाज में एटीपी प्रोडक्शन के अंदर एक स्टेप है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, इसका मतलब है एटीपी अवेलेबल, एटीपी नहीं बनेगी। अब एटीपी नहीं है तो इसका मतलब है सेल के अंदर एटीपी की डिप्लीशन हो जाएगी, इवन इन दो सेल दैट कैन स्विच टू एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। वो कहते हैं कि इवन उन सेल्स के अंदर भी ये इसको जो के बगैर ऑक्सीजन के अपनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, उनमें भी एटीपी की डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो बाकी सेल्स इस्तेमाल करेंगे, इनमें भी जो है ना वो एटीपी की जो है वो कमी आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल नहीं है जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, तो ठीक है। तो इस केस में फिर वो कहते हैं कि बेशक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस या एनारोबिक कर सकता है, दोनों के अंदर ही जो है दोनों ही प्रोसेस नहीं सही से हो पाएंगे, जिसकी वजह से एटीपी की हो जाएगी डिप्लीशन। अब जब एटीपी की डिप्लीशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल सेल डैमेज बाय कॉजिंग फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम। जितने एंजाइम जो कि एनर्जी पे डिपेंड कर रहे थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इन पर्टिकुलर द सेल मेम्ब्रेन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आयन पंप, एक स्पेशल जो ना पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि सेल वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। सेल वॉल्यूम क्या होता है कि वो पोटाशियम और सोडियम का सेल के अंदर और आउटसाइड पे जो एक स्पेसिफिक बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आयन पंप, और साथ ही एटीपी को भी मूव इन करवाता है। तो इसकी जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी
हाँ, जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो उसकी वजह से ये पंप सही काम नहीं करेगा। अब पंप नहीं सही काम कर रहा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, सेल का जो बायोकेमिकल बैलेंस था वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया मेजर साइट ऑफ एटीपी जनरेशन एंड मोस्ट वल्नरेबल ऑर्गेनली ऑफ द सेल। वो कहते हैं कि ये सबसे मेजर साइट है और सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव से क्या मतलब है कि अगर इसके ऊपर अटैक हो जाए तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, डायरेक्ट डैमेज होता है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं कि ये वल्नरेबल ऑर्गेनली है, कि इसके ऊपर स्वेयर अटैक होते हैं। अच्छा, यानी कि एट रिस्क है या एट कंसर्न होता है। जिस तरह आप वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात करते हो तो किसकी बात करते हो, बच्चे की, फीमेल की, जो कि ज्यादा रिस्क पे होते हैं मैलन्यूट्रिशन के। इसी तरह यहाँ पे जो वल्नरेबल का लफ्ज है उसका मतलब क्या है कि जो एट रिस्क होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, एटीपी डिप्लीट हो गई है, अब माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी कैसे होगी? इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विद रिजल्टेंट लॉस ऑफ, अब ओवरऑल इसी इंजरी के प्रोसेस के अंदर एटीपी डिप्लीट होने के बाद सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमने लास्ट टाइम शायद थर्ड सेमेस्टर नहीं, वो सेकंड वाला को मैंने कराया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप परमिएबिलिटी इंक्रीज करवा देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो उसके अंदर कैल्शियम मौजूद था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम बाहर आने से क्या हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर इसके आने की वजह से फॉस्फोलाइपेजिस, प्रोटीएजिस, एंडोन्यूक्लियोजिस इंजाइम्स हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉस्फोलाइपेजिस, फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, तबाह कर देंगे उनको। प्रोटीएजिस, प्रोटीन है, प्रोटीन जितनी सेल, सारा स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना होता है उसको खाना शुरू कर देंगे। एंडोन्यूक्लियोजिस, न्यूक्लियस, डीएनए, डीएनए डैमेज करेंगे। ठीक है, डैमेज ऑन माइटोकॉन्ड्रियल एंड अदर सेल मेम्ब्रेन, डेफिनेटली ये सारे पार्ट सेल मेम्ब्रेन के थे तो ये ही इंजाइम जो है वो सेल मेम्ब्रेन को तबाह करना शुरू कर देंगे। अब डैमेज जो स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन, अब जो पहला आपका फॉस्फोलाइपेजिस था ये माइटोकॉन्ड्रियल और अदर सेल मेम्ब्रेन उसको तबाह कर देगा, क्योंकि इसका काम ही ये था, लाइक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर तो ये उसको खत्म कर देगा। प्रोटीजिस जो है वो जब ये प्रोटीन के खिलाफ काम करते हैं, अब आपको पता है एंजाइमेटिक प्रोटीन जितने भी हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रोटीजिस काम करेंगे, और न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो हैं उनके खिलाफ एंडोन्यूक्लियेजेस काम करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल के अंदर एक डैमेज की चेन चल पड़ेगी। अच्छा, ये हो गया हमारा, ये हो गया भैया, आ गया सेल इंजरी टू रिस्पॉन्स। सेल हैव लिमिटेड अनलिमिटेड रेंज ऑफ रिस्पॉन्स टू इंजरी। अब इंजरी हो गई है, ठीक है, अब इसके खिलाफ सेल क्या करेगा, सेल की टाइप और नेचर के ऊपर जो है, नेचर ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है कि सेल किस मैकेनिज्म की तरफ जाता है या किस तरफ जाता है। ठीक है, सेल की टाइप और इंजरी की क्या नेचर है उसकी बेस पे सेल डिसाइड करता है कि क्या वो उस इंजरी को अडॉप्ट करेगा या उसकी डिजनरेशन हो जाएगी या वो डेथ की तरफ चला जाएगा। अडॉप्टेशन क्या है, अ सेल मे अडॉप्ट टू अ स्टिमुलस और सब लीथल इंजरी पॉजिटिवली विद इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। सेल वो कहते हैं कि अब कोई एक स्टिमुलस आई या सब लीथल, लीथल होते हैं जानलेवा और सब लीथल होती है जो कि इतनी सिवियर इंजरी नहीं थी, उसको पॉजिटिवली अडॉप्ट करता है और अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्या करता है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि इम्यूनिटी के एक बैक्टीरिया या वैक्सीन दिया, कमजोर बैक्टीरिया दिया, बॉडी उसको अडॉप्ट कर गई और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो सेल इंजरी को अडॉप्ट कर लेता है और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लेता है विद इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, कि अगली बार अगर सेम इंजरी आएगी तो वो उस सेल को कुछ नहीं कहेगी। अंडरगो डीजनरेशन विद डिमिनिश फंक्शनल कैपेसिटी, डीजनरेशन में चला जाएगा जिसकी वजह से फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब ये दो तरह का हो सकता है, फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक। फिजियोलॉजिक है कि थोड़ा बहुत फंक्शनल लॉस हो, ठीक है, और वो उस फंक्शनल लॉस को रिकवर हो जाता है वो एक अरसे के बाद, फिजियोलॉजिक जो चेंज होती है, ठीक है, और वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर पैथोलॉजिक ये फंक्शनल कैपेसिटी जो पैथोलॉजिक हो जाती है तो इसका मतलब है डिजीज हो गई है और ये रिवर्सिबल नहीं होती और इसको बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी की स्टेट आ जाएगी। फिजियोलॉजिक होगा तो दैट इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मली थोड़ी देर बाद या कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो रिकवर हो जाती है। पैथोलॉजिक हो जाएगी तो वो रिकवर नहीं होगी, वो डिजीज कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ये सेल आर एबल टू अडॉप्ट टू चेंज इन वर्क डिमांड और थ्रेट और सर्वाइवल बाय चेंजिंग देयर साइज, एट्रॉफी एंड हाइपरट्रॉफी, नंबर हाइपरप्लासिया एंड फॉर्म मेटाप्लासिया। तो तीन हमने लास्ट टाइम देखा, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि सेल एक इंजरी को या एक प्रेशर को क्या करेगा, अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। अडॉप्ट करने में उसने कहा कि सेल अपने साइज के अंदर या तो साइज कम कर देगा जिसको एट्रॉफी कहते हैं, या अपना साइज बढ़ा देगा जिसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, एट्रॉफी सेल का साइज कम होना, हाइपरट्रॉफी सेल का साइज बड़ा हो जाना।
ठीक है, या सेल के नंबर इंक्रीज कर देंगे हाइपरप्लासिया, ठीक है, सेल उस इंजरी के रिस्पॉन्स में ज्यादा सेल डिवीजन तेज हो जाएंगी हाइपरप्लासिया, एंड फॉर्म या अपनी शेप को चेंज कर लेगा, अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा, जिसको कहते हैं मेटाप्लासिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि सेल एक इंजरी के रिस्पॉन्स में, यानी कि डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं जो कि सेल उसको दे सकता है। नॉर्मल सेलुलर अडाप्टेशन अकर इन रिस्पॉन्स टू एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस एंड सीजेस वंस द नीडेड फॉर अडाप्टेशन हैज सीज्ड। एक नॉर्मल मैकेनिज्म आया, नॉर्मल स्टिमुलस आई और उसके मुताबिक या उसके खिलाफ जो है वो नॉर्मल सेलुलर अडाप्टेशन हुई। ठीक है, थोड़ी देर बाद सेल या एक जब वो स्टिमुलस खत्म हुई, सेल वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया, ये कहलाएगी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। लेकिन अगर सीवियर स्ट्रेस आता है और सेल वापस अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं जा पाएगा, तो दैट विल बी पैथोलॉजिक अडाप्टेशन। सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी डीजनरेशन, द रिस्पॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज टू इंजरी विद सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन। वो कहता है कि डीजनरेशन क्या है, द रिस्पॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज टू इंजरी जो कि नॉन लिथल हो। ठीक है, लिथल हुई तो डेथ हो जाएगी ना, नॉन लिथल मतलब जानलेवा ना हो सेल के लिए। उस इंजरी के रिस्पॉन्स में या कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए या कोई फंक्शनल चेंज आ जाए विद सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन, और उसके अंदर रिस्टोर भी हो जाए, वो अपने स्टेट को वापस भी रिस्टोर कर ले, इसको आप कहते हैं, यानी कि नॉर्मल हीलिंग हो जाए उसकी, तो इसको आप कहते हैं डीजनरेशन। इरिवर्सिबल नेक्रोसिस डेथ ऑफ सेल विद द प्रोग्रेशन ऑफ इंजरी। अगर डीजनरेशन के बाद भी कॉन्टिन्यूस इंजरी रहती है या स्ट्रेस रहता है, तो अल्टीमेटली ये इरिवर्सिबल हो जाएगी और नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। डेथ क्या है, इरिपेयरेबल डीएनए डैमेज कैन रिजल्ट इन परमानेंट ग्रोथ अरेस्ट सेल डेथ और मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, सेल डेथ हो जाएगा, या मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन लोथरे बनने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे वो क्लंप बना लेंगे सेल जितने भी डैमेज होंगे। ठीक है, उस तरह का सेल डॉर्मेंट हो जाएगा। अब वो वहां पे सेल के अंदर मौजूद है गिल्टी की शक्ल में, फर्ज कर लो खून के अंदर वो सेल वहां पे मौजूद हो जाएगा, खून पे या जहां पे भी वो सेल मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट सस्पेक्टेबल टू इंजरी डायरेक्ट सेलुलर अडाप्टेशन डीजनरेशन डेथ थ्रू अपोप्टोसिस और प्रोग्राम नेक्रोसिस। वो कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो सबसे पहला ये पॉइंट अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट सस्पेक्टेबल टू इंजरी के सबसे ज्यादा जो रिस्क पे होता है इंजरी के, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया आगे सेलुलर अडाप्टेशन के सिग्नल भी करता है, मतलब इंजरी को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद ये सिग्नल करेगा कि क्या सेलुलर अडाप्टेशन की तरफ जाना है, सेलुलर डीजनरेशन की तरफ जाना है, या अपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस के थ्रू डेथ की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही डिसाइड कर रहा होता है कि हम किस चीज को किस प्रोसेस की तरफ जाएंगे फर्दर ऑन। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं सेल इंजरी के, जिनमें सबसे पहले ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, अभी मैंने आपको बताया कि जब हाइपोक्सिया डिफाइन एज अ रिडक्शन इन ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगी, कार्डियक या रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ वस्कुलर परफ्यूजन, इस्चीमिया इसको कहते हैं। वस्कुलर परफ्यूजन क्या होता है, एक मिनट मुझे प्रॉपरली देख लेने दो। जो बेसिकली वेस्कुलर परफ्यूजन होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो होती है ना एक्सचेंज होती है, तो भी देख लेता हूँ। अच्छा, द पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम टू एन ऑर्गन और टिश्यू। अच्छा, यानी कि ब्लड से, इन शॉर्ट ब्लड से ऑर्गन के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसफर होती है, उसको कहते हैं वेस्कुलर परफ्यूजन। वो कम हो जाएगी, डेफिनेटली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है प्रॉपर, तो वो आगे ऑर्गन्स के अंदर भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाएगी। रिड्यूस ओ टू ट्रांसपोर्ट बाय एरिथ्रोसाइट, एनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसोसिस। अच्छा, इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है एरिथ्रोसाइट, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी तरफ कम हो जाएगी, ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसफर कम, या ब्लड की तरफ जो है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड, डेफिनेटली ऑक्सीजन कम है तो CO2 प्रॉपर नहीं बनेगा, CO बनेगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर उसका लेवल बॉडी ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो दैट इज टर्म्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसोसिस, इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑफ द सेल। और ऑक्सीजन ही जब अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम की इनहिबिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर साइनाइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं साइनाइड टॉक्सिसोसिस। ठीक है, तो ये डिफरेंट उसने बता दिया कि ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी, वस्कुलर परफ्यूजन, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो जानी है वो नहीं प्रॉपरली जा पाएगी, सेल्स और टिश्यूज के अंदर, जब उसके अंदर नहीं जाएगी, जिसके आसान अल्फाज में उसने कह दिया कि रिड्यूस ओ टू ट्रांसपोर्ट बाय एरिथ्रोसाइट। तो ये एरिथ्रोसाइट वाला पॉइंट बेशक ऊपर ले जाओ, कि जब ब्लड के पास ऑक्सीजन प्रॉपर है नहीं, एरिथ्रोसाइट प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वस्कुलर परफ्यूजन लो हो जाएगी और फ्लूड
फर्क कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे तो रेस्पिरेटरी एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो भी इनहिबिट हो जाएंगे और साइनाइड टॉक्सिसिस हो जाएगा। अच्छा, अभी तक ऑक्सीजन की बात की थी, मैं फिजिकल एजेंट्स की बात कर लेता हूँ। मैकेनिकल ट्रॉमा, टेम्परेचर एक्सट्रीम, हीट, रेडिएशन, मैसेज, इलेक्ट्रिक शॉक, डिफरेंट फिजिकल एजेंट हो सकते हैं जो डायरेक्ट डैमेज होता है। ट्रॉमा क्या होता है, डायरेक्टली सेल को फाड़ देगा, क्रश कर देना, टीयर कर देना, ठीक है। इनडायरेक्टली बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू दीज सेल एंड टिश्यू। एक तो ये है कि सेल के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देगा, दूसरा ये होता है कि जो उस सेल की तरफ ब्लड वेसल जा रही है उसको डैमेज कर देगा। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी या ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से उस सेल को प्रॉपर, दैट स्पेसिफिक सेल विल नॉट गेट द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दैट वो सेल डैमेज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर सकता है। हीट, लो इंटेंसिटी हीट कैन डैमेज ब्लड वेसल, एक्सेलरेट सर्टेन सेलुलर रिएक्शन और हार्ट दोज रिएक्शन विद टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम्स। हीट क्या हो गया, अगर कोई गर्म लग गया या कोई हीट डैमेज हो गया तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। कुछ रिएक्शंस को तेज कर सकता है और कुछ रिएक्शंस को स्लो कर सकता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन को एक्सट्रीमली तेज कर देगा जिसकी वजह से डैमेज हो जाएगा, या कुछ रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एंजाइम जो है वो हीट सेंसिटिव था, उनको इतना स्लो कर देगा कि वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे तो वो वाला, यानी कि वो सेल डैमेज की तरफ चला जाएगा। एक्सट्रीम हीट हो जाएगी तो वो एंजाइम को डीनेचर कर देगा, जिसकी वजह से वो भी सेल की फंक्शनिंग को रोक देगा और सेल डैमेज जो है वो डेथ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कोल्ड है। कोल्ड के अंदर क्या है कि अभी हीट की बात की, कोल्ड की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं कि जो ब्लड वेसल होती हैं ये पिचक जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई उन स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज को प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब प्रॉपरली सेल सप्लाई नहीं होगा, फ्रीजी सेल विद आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन साइटोसोल डेट डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कॉन्टेंट होता है, उस वाटर कॉन्टेंट जब बहुत ज्यादा फ्रीज हो गया या कुछ कोल्ड आ गया तो वो वाटर कंटेंट क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। जब फ्रीज करेगा तो वो बनाएगा क्रिस्टल, जिस तरह बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं, वो क्रिस्टल अगर सेल के अंदर बन जाते हैं एक्सट्रीम फ्रीजिंग के अंदर, तो वो साइटोसोल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी तक हमने किया फिजिकल एजेंट हीट, फिजिकल एजेंट के अंदर हमने देखा ट्रॉमा, हीट, उसके बाद हमने देख लिया कोल्ड, अब आयनाइजिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, रेज का अटैक हो जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ रेडिएशन कॉजिंग सेलुलर इंजरी। आयनाइजिंग रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेंज आयनाइज एटम और मॉलिक्यूल। अब बेसिकली वो कहते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं जो कि, जिसमें अल्ट्रावायलेट है, जो कि डैमेज कॉज कर सकती हैं, आयंस प्रोड्यूस करेंगे, वो आयन मजीद डैमेज कॉज करेंगे, क्योंकि आयन जो है वो इनकम्प्लीट होता है और वो स्टेबल होने के लिए किसी और चीज को तोड़ता है। वो जब जिस चीज को तोड़ेगा वो अनस्टेबल हो जाएगी, वो फिर नेक्स्ट वाले हिस्से को डैमेज करेगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल डैमेज, वही जब आयनाइज एटम और मॉलिक्यूल को आयन कर देगा, आयनाइज कर दिया, अब उनके पास फ्री मौजूद है, ठीक है, वो जाके सेल मेम्ब्रेन को अटैच करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, वहां से मजीद नए आयन प्रोड्यूस होंगे, वो मजीद डैमेज कॉज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल दैट रिएक्ट विद सेलुलर कंपोनेंट स्पेशली डीएनए, और वहां से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे जो कि आगे सेलुलर कंपोनेंट स्पेशली डीएनए के साथ अटैच करके डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। आयनाइजिंग रेडिएशन इंजरी इज लोकलाइज्ड साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरापी फॉर कैंसर, और ये यूजुअली जो है वो कैंसर के अंदर जब रेडिएशन थेरापी दी जाती है, रेज के जरिए जो कैंसर का इलाज किया जाता है, उसके अंदर जो अपना यूजली ये इस तरह के केसेस देखे जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इंजरी डिवेलप फ्रॉम एक्सपोजर टू लेस हेयर्ड एंड लाइटली पिगमेंटेड स्किन। ऐसी स्किन जो कि लाइटली पिगमेंटेड, यानी कि फेयर स्किन है और बाल उस पर कम हो, तो यूजली उस पर चांसेस होते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट आ जाए, और अदर मिनिमली पिगमेंट टिश्यू सच एज कंजक्टाइवा टू सनलाइट, कि इनका अगर एक्सपोजर हो जाए सनलाइट के साथ, डायरेक्ट एक्सपोजर हो और लंबे अर्से के लिए हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे इशू आ सकता है, जैसे कि आंख का जो कंजक्टाइवा, यानी कि आंख का जो व्हाइटिश पोर्शन है दैट इज अ लेस पिगमेंटेड एरिया, तो वहां पे अगर किसी किस्म की कोई अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या करेंगे कि सेलुलर बॉन्ड विद फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, वही जो फ्री रेडिकल है ना लास्ट पॉइंट बताया, उसी तरह ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन
फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करेंगी जो कि डीएनए डैमेज करेंगी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडाइन डाइमर। पायरिमिडाइन डाइमर बनाएंगे जो कि आगे डीएनए डीएनए को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो आयनाइजिंग एंड अल्ट्रावायलेट, तो आयनाइजिंग का कॉन्सेप्ट आपको भी ऑलमोस्ट सेम है फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी कॉन्सेप्ट सेम है फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जो मतलब उनकी प्रोडक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट है, फिजिकल एजेंट के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, जनरेट हीट एज दे पास थ्रू टिश्यूज। अच्छा नहीं, ये उसी के अंदर आता है, फिजिकल एजेंट के अंदर ही ये हीट प्रोड्यूस करेगा जो कि टिश्यूज के अंदर से पास कर जाएगा जिसकी वजह से बर्न हो जाएंगे। वंस करंट इंटर द बॉडी कंडक्टेड थ्रू टिश्यू ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि स्किन जो है वो हाई रेजिस्टेंस की होती है, तो जब अगर करंट ने उसको पास कर लिया तो करंट हमेशा जो है वो रास्ता चूज करता है जहां उसको रेजिस्टेंस कम हो। तो अंदर जो बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं जो कि सबसे कॉमन है, दैट इज नर्वस सिस्टम, जो कि जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर खुद एक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, कंडक्शन जिसको कहते हैं। तो अगर बाहर से कोई करंट आ रहा है तो वो फौरन से नर्वस सिस्टम के अंदर घुस जाएगा क्योंकि वो कम से कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम की इंपल्सिस, रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ब्रेन के साथ लिंक होता है दिल का, और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होते हैं, तो सारे के सारे कहाँ कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा इन्फेक्शियस माइक्रोब्स तो आ जाते हैं, इन्फेक्शियस माइक्रोब रेप्लिकेट इन सेल और टिश्यूज। अगर कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाता है, जैसे प्रायोन्स हैं, ये वायरस होते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं लेकिन इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ऐसे वायरस जो है वो सेल के डीएनए सिंथेसिस के अंदर उसके रोल को, मतलब डीएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और अपने जो अपना इनका जीन होता है वो उसके डीएनए के अंदर, होस्ट के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो सेल डिवाइड होता है न्यू सेल्स के अंदर तो उसके अंदर वायरल डीएनए ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉपी होना शुरू होता है। बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अगेंस्ट सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा पैरासाइट्स हैं, इंजरी इज इंटेंसिफाइड इन मैन इन्फेक्शन डिजीज बाय द इंफ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इन्फेक्शियस माइक्रोब। तो पैरासाइट भी इस तरह का कॉज करते हैं। तो बेसिकली प्रायोन्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये डिफरेंट सेल इंजरी के इन्फेक्शियस माइक्रोब हैं जो कि सेल इंजरी का कॉज बनते हैं। और चौथी इसने चीज की है कि जब ये चीज अगर ये डायरेक्टली ना भी करें सेल इंजरी, तो जब ये बॉडी के अंदर आएंगे तो इनके खिलाफ बॉडी एक अडाप्टिव मैकेनिज्म लेके आएगी इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन जब वो कॉज करेंगे या इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स जब वो देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो इन्फ्लेमेशन उसको ओवरकम करने के लिए होगी, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी सेल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी थिंग हुआ, बॉडी का अडाप्टिव सिस्टम था लेकिन अल्टीमेटली सेल इंजरी की तरफ ले गया। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, न्यूट्रिशनल इंबैलेंस इसके अंदर आ जाता है। वही मैंने स्टार्ट जहां से किया था कि न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए या कोई इंबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म जैसे प्रोटीन की या कैलोरिक डेफिशिएंसी है, कैलोरिक डेफिशिएंसी होगी तो एटीपी नहीं मिलेगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस, लाइपोलाइसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ मसल प्रोटीन जो है ये मतलब ग्लाइकोलाइसिस है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, लाइपोलाइसिस है फैट की ब्रेक डाउन करना, मसल प्रोटीन की कैटाबोलिज्म शुरू हो जाएगी। ठीक है, ताकि एनर्जी को पूरा किया जा सके। तो अगर आपकी एनर्जी डेफिशिएंट है तो बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, लाइपोलाइसिस लिपिड्स के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, मसल प्रोटीन होती है, तो इनको डैमेज स्टार्ट हो जाएगा ताकि एनर्जी पूरी की जा सके। लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन अगर हो जाती है जिसके अंदर क्या है कि बहुत अरसे तक खाया ही नहीं है सही तरह से कुछ, तो इसकी वजह से जो मसल के सेल हैं वो तबाह होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जब खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो वो किस तरफ चले जाएंगे, एट्रॉफी, मस्कुलर डैमेज, सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगे मसल के, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग कहते हैं। एक्सेस कैलोरिक ओवरलोड सेल विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स, अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन और लिपिड का रश आएगा और उसकी वजह से ओबेसिटी होती है, जिसको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस वगैरह या आसान अल्फाज में डायबिटीज, शुगर वगैरह की बीमारियां जो है उसकी तरफ चला जाएगा। डायटरी डेफिशिएंसी और इंबैलेंस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, अभी तक हमने किसकी बात की है, प्रोटीन और कैलोरीज की बात की है। अगर वो कहते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं, विटामिन मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी एनर्जी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होगी, डिक्रीज स्ट्रक्चर होगा, इंक्रीज एक्सपेक्टेबिलिटी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज जिसके अंदर डिफरेंट बीमारियां, डायबिटीज, मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, तो इस तरह की बीमारियां। हाइपरटेंशन जब सोडियम की वजह से हो रहा है, सोडियम एक मिनरल है, तो अगर इसकी कोई डेफिशिएंसी या इसका एक्सेस हो जाता है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी आ जाती हैं।
वर्कलोड इम्बेलेंस है, सेल कैन कंपनसेट फॉर इंक्रीज वर्कलोड विद एन इंक्रीज इन साइज और नंबर, सेल दैट कैन नॉट मीट एन इंक्रीज डिमांड मे अंडरगो डिजनरेशन और डेथ, सेल नो लॉन्गर नेसेसरी और रिसीव द स्टिमुलस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इंटरवेंशन। अच्छा, पहले पॉइंट में तो यही कह रहे हैं कि सेल अगर आप वर्कलोड देते हैं, एक्सेस काम करते हैं, तो सेल जो है वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है बाय इंक्रीजिंग इट साइज या नंबर, अपना साइज बढ़ा रख के या अपना नंबर बढ़ा के। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अगर ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो डीजनरेशन या डेथ की तरफ जा सकता है। ठीक है, सेल नो लॉन्गर नेसेसरी और रिसीव द स्टिमुलस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इनर्वेशन हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर टेंड टू श्रिंक एज इन दिस यूज एट्रोफी और डी डिनर्वेशन एट्रोफी इन स्केलेटल मसल और फिजियोलॉजिकल एट्रोफी ऑफ मेमोरी ग्लैंड आफ्टर विनिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग। आसान अल्फाज में उसने ये बात की है कि अगर आप किसी एक मस्कुलर सेल को, स्केलेटल मसल के स्पेसिफिकली सेल को अगर काम में नहीं लाते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो सेल जो है वो या उसको कोई हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर जो है नहीं मिलता प्रॉपरली, तो वो क्या करता है, वो श्रिंक करना है, अपने आप को श्रिंक करता है। ठीक है, जो सेल आप इस्तेमाल नहीं करते वो अपने आप को श्रिंक करने की कोशिश करता है, जिसको एट्रॉफी कहते हैं। इस तरह ये स्केलेटल मसल के अंदर होता है, और इसी तरह ये कब होता है कि जब बेबी है, जब ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है, बेबी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो वो अपने अपनी शेप को वापसी एट्रॉफी करते हैं, ताकि सेल का जो साइज है वो कम किया जा सके। ठीक है, और वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केमिकल हैं, डिफरेंट केमिकल जो है इसके अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि डिफरेंट केमिकल जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं और सेल के अंदर इंजरी कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे हैं, उनको अफेक्ट करेंगे, जैसे वही अल्ट्रावायलेट जैसे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल्स का अटैक भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करवा सकते हैं, स्ट्रक्चरल और क्रोमोसोमल डैमेज हो सकता है, द सस्पेक्टेबल सेल टू केम सेल इंजरी डिपेंड अपॉन सच फैक्टर। माइटोटिक रेट बेसिकली वो कहता है कि सेल इंजरी केमिकल से सेल कितना इंजर हो सकता है, या कितना रिस्क है सेल केमिकल इंजरी पे, तो ये डिपेंड करता है माइटोटिक रेट पे कि सेल कितनी स्पीड से उसके अंदर माइटोसिस होती है। न्यूरॉन है, सालों तक माइटोसिस नहीं होती। ठीक है, ब्लड सेल है, 3 महीने बाद उसके अंदर माइटोसिस होती है, तो डिपेंड करता है अबिलिटी टू बाइंड कंसंट्रेट एंड मेटाबोलाइज, कि वो बाइंड जो केमिकल है वो कितना बाइंड कर सकता है, कंसंट्रेट कितना है और मेटाबोलाइज कितना कर सकता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन है, इम्यूनोलॉजिक डिसफंक्शन के अंदर क्या है कि जो या तो इम्यूनिटी इतनी कम है कि कोई इफेक्ट कोई माइक्रोब आया और उसने आके अफेक्ट किया, अटैक किया, तो वही माइक्रोब से रिलेट कर लो इसको, उसकी वजह से इशू आ गया, या कोई फॉरेन एंटीजन आता है और उसके खिलाफ ओवर रिएक्शन शो हो गया, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी या हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ओवर रिएक्शन शो हो गया या बॉडी अपने ही सेल को मारना शुरू कर देगी, इन केसेस के अंदर भी सेल इंजरी होती है। उसके अलावा एजिंग है, एजिंग जैसे जैसे होती रहती है उसके अंदर फ्री रेडिकल बढ़ते जाते हैं, फ्री रेडिकल और डीएनए के रिस्क बढ़ता है, डीएनए डैमेज बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और लास्ट यह है कि इंडिवाइडिंग सेल टिलोमियर्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर शॉर्टन विद ईच सक्सेसिव डिवीजन, इवेंचुअली कॉजिंग सेल टू स्टॉप डिवाइडिंग। एक डिवाइडिंग सेल है, उसके अंदर क्या होता है कि डिवीजन रोक दी जाती है, सेल स्टॉप कर जाएगा डिवाइडिंग के,